वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। मस्ती से मौसम भी सुहाना हो रहा है, मतलब धीरे धीरे सब पुष्प भी आने लग गए हैं, ये इस पर भी आ रहा है, तभी सभी चीज़ें ग्रो कर रही है धीरे धीरे। अब भगवान जरूर फल देगा, जो पौधे उगाए ना उनका फल जरूर मिलेगा। ये सारे मक्की चावले सब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। वैसे ब्लॉग की शुरुआत भी बहुत लेट कर रहे हैं, 11:30 बज चुकी है, क्योंकि लाइट आती नहीं है, फिर सुबह सुबह उठ के वीडियो को एडिट करना, फिर अपलोड करना, लेट हो जाते। बारिश का टाइम है ना, तो लाइट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। अभी 2 महीने तो जब तक बारिश है तब तक लाइट की प्रॉब्लम रहेगी। अभी भी बारिश आ रही है, हल्की की छींटे आ रही है, हल्की की छींटे तो अभी भी आ रहे हैं। जैसी हरी इच्छा, कल हमारे कन्नू के भी ठीक है, समय पे नंदर आ जाता है, क्योंकि रोज झिलमिल झिलमिल बारिश होती है, तो इसकी भी मन की इच्छा समय पे अंदर आ जाता है, तुरंत जल्दी अंदर ले लेते इसको भी। अब अंदर क्या ले, वो ये देखो, ये मारने को आतुर है, और देखो ध्यान हुआ ये मारने को आतुर था हमेशा ही। हाय हाय, क्या खुशबू आ रही, शानदार। आज ये मस्त ग्रेवी वाली गवार फली की सब्जी बन रही है। हमारी तरफ इसको गवार फली बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना जरूर। ये मस्त मसाला, लहसुन प्याज का मसाला तेल में सिकाई हो रही है, और ये मसाला ग्रेवी के लिए तैयार है। और इसको पहले से कुकर में सीटी ले ली, बॉईल कर दिया इसको, ताकि क्या अच्छी हो जाएगी बढ़िया। तो अब ये बन जाएगी, फिर उसके बाद में इसको खाने का आनंद लेंगे। मस्ती मस्त गवार फली की सब्जी बनकर रेडी हो गई। अब ग्रेवी वाली मस्ती से खा लेंगे थोड़ी देर। अब रोटियां बन गई है, रोटी खा लेते मस्ती से। निर्मल ने विष्णु तो खा लिया, मेरे को खानी है, हम 3 जनों को खानी है, तो खा लेते मस्ती से रोटी। ये साले माखी ऐसी हो गई आज इस बारिश के मौसम में, माखे ही माखे पट रहे सब जगह। इनसे जबरदस्त परेशानी माखे से, कोई चाय हो, दूध हो, कुछ भी खाने की चीज़ हो, उसके अंदर गिर रही है। अब करें क्या, बारिश में तो होती है ना, अब क्या करें। कन्नू को भी रोटी देता है, क्योंकि वो तुरंत खड़ा हो जाता है, देख लो खड़ा हो गया, कन्नू का रोटी दे देता है। ले कन्नू, इसको देनी ज़रूरी है, इसके बिना हमारा हम बिल्कुल नहीं खा सकते। पहले इसको खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे। ये तो हमारा बहुत प्यारा है, मारता है लेकिन फिर भी प्यारा है, मारता है लेकिन फिर भी प्यारा है। मस्त गवार फली की सब्जी और रोटी आ गई हाथ में, अभी खा रहे थे मस्ती से आनंद से। ये देखो ये पूंछ खा रहा है, देख लो, फिर देख लो थोड़ी देर सोए और फिर से लग गए काम पे। अब तो पूरा फल देगा इस भगवान, अब भी फल नहीं दे तो बा। थोड़ी थोड़ी देर सो, थोड़ी देर देर काम करो, खेत खोदो, दिन भर काम पे लगे हुए थे, अभी फ्री हुए, अब थोड़ी देर बाहर निकल रहे थे, अंधेरा भी होना है। वैसे कन्नू भी हमारा बाहर चला गया, हम गाय आ गई हमारी गंगा गंगा, और कंजी हमारे फिट है, मस्ती से आके बैठ गए, हमें खड़े आनंद ले रहे हैं मस्ती से। भाई बैठी है माता जी, हमेशा ही माता जी की जगह फिक्स है हमें बैठने की। इनकी अभी सहेली आई थी, वो चले गए और ये अकेले बैठे हुए हैं। अब वैसे भी संध्या समय भी होना है, हैं? हाँ संध्या समय होना है, वैसे भी
अब वैसे भी संध्या समय भी होना है, सुधिया बच्चे भी हो जाएंगे, भोजन वोजन बन जावे तो खा लेंगे मस्ती से। ये इधर तैयारी चल रही है, बर्तन वर्तन धो रहे हैं। ये लो डिब्बा, वैसे अंधेरा अंधेरा आ रहा है हमें मालूम है, पर क्या करें, जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है। लेट बाहर निकले तो अंधेरे ही आएगा, अंधेरा होना है तो अंधेरे आएगा, और क्या आएगा। आज बहुत शानदार सब्जी बनी कोफ्ते की, कलर से ही मज़ा आ रहा है, जोरदार शानदार कलर है, शानदार कलर है, और खुशबू बहुत जोरदार है। खुशबू तो हम मैसेज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, हम तो आपको कलर दिखा सकते हैं और सब्जी की रंगत दिखा सकते हैं, बाकी तो खाने का आनंद तो हम ही लेंगे, आपको हम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये भोजन रेडी है, तो इस सब्जी का आनंद तक खा के मस्ती से, शानदार कोफ्ते की सब्जी और रोटी, और थोड़ा गोल बड़ा होगा ना वो चिल्ले का, नमकीन चिल्ले का, वो भी आ गए साथ में, तो आप आनंद से उनको खा लेते हैं मस्ती से, मस्त भोजन से निवृत्त होकर। और सब्जी बहुत शानदार बनी, मज़ा आ गया, सुबह भी शानदार सब्जी बनी थी, अभी भी शानदार बनी। कैसी बनी निर्मल सब्जी? शानदार, मज़ा आ गया सब्जी का, है ना, शानदार सब्जी बनी, हाँ मज़ा आ गया। अब थोड़ी देर काम में बैठ जाए, कन्या भी हमारा हमेशा खड़े रहता है, बैठ रहा नहीं, अभी भी नहीं बैठा होगा मेरे ख्याल से, अभी भी बैठा, हाँ ये खड़े से कन्या, ये कन्या हमेशा ही खड़े रहता, कन्नो खड़ा मत रहे, मारता है, ये मारता है आजकल, इसका क्या हो गया, मारता है बस, मारता है बस आजकल। फिलहाल थोड़ा काम कर लेते, देख लो इनका प्रेम, ये भी आराम से घाटा गिटो होके सो गया, ये भी इसके पास में पड़ा है। ये लाइट लगी ना मोबाइल की, इसलिए इसको एकदम से उठाए। अभी मैं यहाँ पे सो रहा था तो तुरंत उठ जाता करूँ, वैसे कि ये कन्या का बहुत खतरनाक है, हमारी दुश्मनी इससे, हमारी तो खतरनाक दुश्मनी है, हम अगर मैं अगर पास में गया होता अभी उठ जाता है। फिलहाल घड़ी में 10:30 बज चुकी है, और आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सदा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।